Hello students, so today's video topic is Gibbs energy. So what is Gibbs energy and why there is need of Gibbs energy? So to find whether reaction is spontaneous or not, we need is, means iske pehle apne ko jo lagta hai, that is entropy. What we require is entropy. So total entropy is required. Total entropy यानि system का भी entropy चाहिए and surrounding का भी entropy चाहिए. And then हम लोग बता सकते हैं कि whether given reaction is spontaneous or not. So to determine spontaneity, we are using entropy change with respect to system as well as surrounding. So therefore a scientist J.W. Gibbs introduced new thermodynamic function called Gibbs energy, which is denoted by G. If we calculate Gibbs energy of system alone is sufficient to tell whether the reaction is spontaneous or not. Entropy के केस में अपने को system as well as surrounding दोनों का भी entropy calculate करना पड़ता है. But if by using Gibbs energy of system alone हम लोग क्या कर सकते हैं, whether the given reaction or process is spontaneous or not हम लोग predict कर सकते हैं. So what is the formula of Gibbs? So G is equal to H minus Ts. G याने Gibbs free energy, H याने what is H? It is enthalpy. T is temperature and S is entropy. Now if you want to calculate change in entropy, change in Gibbs free energy, so delta G aega, yahan pe delta H aega at constant temperature, and this will be delta S. So this formula is valid only at constant temperature. So what is Gibbs free energy? Free energy which is required in reaction so that reaction proceeds in required direction. Now let us find what is relation between Gibbs energy and spontaneity. Delta S total is what? S of system plus delta S of surrounding. अभी हम लोग यहाँ पे क्या consider करते हैं? Let delta S of system be only delta S. Okay? So अभी ये वाला जो तुम्हारा equation है वो कैसे हो जाएगा? Delta S total, that will be equal to delta S plus delta S of surrounding. Now we have done formula on, we have done sums on this formula. Delta S surrounding is minus delta H by T. माइनस इसीलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे तुम्हारा सिस्टम का अगर एनर्जी इवॉल्व हो रहा है तो वो सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है.
ओके सो माइनस माइनस क्या होके कैंसिल होके वो क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है बराबर ना. सो इसीलिए वो माइनस डेल्टा एच बाय टी लिया हुआ है. सो अभी उसी को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाय टी. नाउ व्हाट विल डू इज विल मल्टीप्लाई बाय माइनस टी ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच. ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ओके इसको रीअरेंज करेंगे सो दिस विल बिकम एच माइनस टी डेल्टा एस एंड दिस विल बिकम माइनस टी डेल्टा एस टोटल. ये इक्वेशन देख के क्या याद आया अभी हम लोग ने किया था ना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अभी किया था ना हम लोग ने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो ये फॉर्मूला किसका है गिब्स का है. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल. सो नाउ कंसिडर दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव इन रिएक्शंस मीन्स बहुत रेयर रिएक्शंस होते हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर पे अकर होते हैं इसीलिए टेम्परेचर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये जो नेगेटिव है दिस नेगेटिव इज वॉट डेल्टा एस. सो इट इज लाइक दिस टी माइनस डेल्टा एस टोटल. तो ये जो नेगेटिव साइन है दैट इज ऑफ टोटल एंट्रोपी एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी. सो एंट्रोपी पॉजिटिव है एंड डेल्टा एस टोटल इज व्हाट नेगेटिव. इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टोटल हैव अपोजिट साइंस. सो अभी हम लोग ने ये कंक्लूजन किया था एंट्रोपी के वीडियो में इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव तो प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस होता है. सो हम लोग डेल्टा जी के लिए क्या बोलेंगे डेल्टा जी अपोजिट साइन ना ये पॉजिटिव है सो डेल्टा जी भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा ना स्पॉन्टेनिटी के लिए. साइंस आर अपोजिट दिस इज माइनस दिस इज प्लस इफ दिस विल बी माइनस दिस विल बी प्लस. सो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव यानी लेस देन जीरो देन योर प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस. सिमिलरली इफ डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव इसका मतलब लेस देन जीरो सो प्रोसेस क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. सो डेल्टा जी क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब इट विल बी पॉजिटिव एंड देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. सिमिलरली डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है देर इज इक्विलिब्रियम. सो व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो इट विल बी इक्विलिब्रियम. ओके सो ये जो जी है ये किसका जी है सिस्टम का जी है एंड बाय नोइंग सिस्टम गिव्स फ्री एनर्जी वी कैन टेल वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस. सो हियर कैसा होता है डिपेंडिंग ऑन साइंस साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस डिपेंड करता है. पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी
spontaneity is dependent because delta G is equal to delta H minus T delta S. So, first condition देते हैं हम लोग. First condition, if delta H and delta S both are negative. Both are negative. So, when both are negative, तो whether process will be spontaneous or not. तो देखते हैं कैसे workout होता है. Okay? So, G क्या होता है? Delta G, Gibbs free energy is delta H minus T delta S. अभी हम लोग reference के लिए कुछ values लेते हैं. So, first, हम लोग delta H को minus 8 consider करते हैं. एंड टी डेल्टा एस, अब टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहता है, वो पॉजिटिव ही रहता है. सो जो हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव जो बोल रहे हैं वो एस के लिए बोल रहे हैं. सो टी डेल्टा एस जो है वो -5 कंसिडर करते, बोला है ना बोथ शुड बी नेगेटिव. यानी ये जो नेगेटिव यहाँ पे -5 है, ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ एस का है. ओके तो अभी हम लोग ने क्या किया, जी लिया -8 माइनस ऑफ -5. सो इसका आंसर कितना आएगा, -13. ओके अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच को -5 लेते हैं एंड डेल्टा टी डेल्टा एस को -8 लेते हैं. तो जी क्या हो जाएगा, -5 माइनस ऑफ -8. So, it will become how much? +3. So, when delta H, when A case में delta G negative आया, इसका मतलब क्या है? It is a spontaneous. Negative पे G क्या होता है? Spontaneous होता है. And यहाँ पे G क्या है? Non-spontaneous है. So, spontaneous होने के लिए क्या condition और एक जरूरी है? डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. मीन्स ये नेगेटिव तो होना ही चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव, बट ऑल्सो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से जाना है. ओके यू डोंट टेक नंबर, वो जो नंबर लाइन होता है ना वो नहीं कंसिडर करो, यू जस्ट कंसिडर दी magnitude. Now also T is less, means ये पूरा value less है, इसका मतलब temperature भी कैसा है, less है. So इसीलिए हम लोग conclusion क्या करेंगे, at low temperature spontaneity can be attended. तो हम लोग क्या कंक्लूजन क्या देंगे, व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव एंड इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेंडेड इफ टेम्परेचर is low. Is it clear everybody? Let us consider second case in which delta H and delta S is positive. Enthalpy and entropy both are positive. So what is formula of Gibbs free? Delta G is equal to delta H minus T delta S. So, here they have given this is positive and entropy is also positive. So, now we'll consider two cases. First case mein hum log delta H ko positive 8 lete hai and delta S ko positive 5 lete hai. So, delta G kya ho jayega?
प्लस एट माइनस मीन्स ये प्लस फाइव जो लेना है वो टी डेल्टा एस को लेना है साथ में. टी इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो टी इज कॉन्स्टेंट एंड ये पूरा टर्म तुम्हारा पॉजिटिव है दैट इज प्लस फाइव. सो इट विल बिकम हाउ मच प्लस एट माइनस फाइव. सो इट विल बिकम प्लस थ्री. सो डेल्टा जी इज पॉजिटिव. देयरफॉर एट दिस कंडीशन प्रोसेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी हम लोग क्या करते हैं कंडीशंस को उल्टा लेते हैं. डेल्टा एच को प्लस फाइव लेती हूं एंड टी डेल्टा एस को आई टेक इट प्लस एट. अब वापस से फॉर्मूला में पुट करते हैं डेल्टा जी के दैट इज प्लस फाइव माइनस ऑफ प्लस एट. सो नाउ इट विल बिकम हाउ मच माइनस थ्री. सो नाउ डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड देयरफॉर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. सो व्हाट विल बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस टू कंडीशंस. व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस. व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस जी बिकम्स दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. टी डेल्टा एस इज ग्रेटर इसका मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा हायर रहेगा. टी डेल्टा एस इज ग्रेटर एंड देयरफॉर टेम्परेचर कैसा रहेगा हायर रहेगा. सो व्हाट वी विल बी कंक्लूडिंग इज व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस इफ और स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर. ओके सो दिस इज अवर कंक्लूजन. नाउ लेट अस स्टडी थर्ड कंडीशन. लेट अस स्टडी थर्ड कंडीशन इन विच एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड एंट्रोपी इज पॉजिटिव. अभी यहां पे अगेन फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं. डेल्टा एच को माइनस एट लेते हैं एंड टी डेल्टा एस को क्या लेते हैं प्लस फाइव लेते हैं. तो डेल्टा जी कितना आएगा माइनस एट माइनस ऑफ प्लस फाइव. सो इट विल बिकम माइनस थर्टीन. सो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. अब उल्टा कंडीशंस लेते हैं दैट इज डेल्टा एच को हम लोग माइनस फाइव लेते हैं एंड टी डेल्टा एस को वी टेक इट प्लस एट. तो डेल्टा जी कितना आएगा माइनस फाइव माइनस ऑफ प्लस एट. सो अगेन कितना आया माइनस थर्टीन. सो अगेन डेल्टा जी क्या आया अपने को नेगेटिव आया एंड देयरफॉर प्रोसेस इज व्हाट स्पॉन्टेनियस. सो तुम कोई भी कंडीशंस ले लो प्रोसेस क्या होने वाला है स्पॉन्टेनियस होने वाला है. तो इसीलिए हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे देयरफॉर स्पॉन्टेनिटी कैन बी अटेंडेड एट ऑल temperatures. Okay, let us study last condition, fourth condition. Enthalpy is positive and entropy is negative. So first condition में हम लोग डेल्टा एच जो है वो क्या लेते हैं प्लस एट लेते हैं and in next condition we take it minus फाइव. So डेल्टा जी will be become प्लस एट माइनस ऑफ माइनस फाइव. सो इट विल बिकम प्लस थर्टीन. सो देयरफॉर जी इज नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बिकम सॉरी जी इज पॉजिटिव आया ना एंड प्रोसेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. बी कंडीशन उल्टा कर देते हैं डेल्टा एच को प्लस फाइव ले लेते हैं
एंड डेल्टा एस को माइनस 8 ले लेते हैं. सो डेल्टा जी कितना आएगा, प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस 8. सो अगेन इट इज कमिंग प्लस 13. सो अगेन जी इज पॉजिटिव एंड प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. सो इसके लिए हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, एट दिस कंडीशंस एट ऑल टेम्परेचर प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. सो व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. ओके, सो दिस आर द फोर कंडीशंस ऑन विच लाइक यू कैन बाय डूइंग दिस सच कैलकुलेशंस यू कैन जज वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. सो विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस सो दैट तुम्हारा आइडिया विल गेट क्लियर रिगार्डिंग दिस. Determine whether the reaction with following delta H and delta S value are spontaneous or non-spontaneous. State whether they are exothermic or endothermic. So we'll consider first condition. Delta H is negative. When delta H is negative, reaction is exothermic. Okay. अभी डेल्टा एच इज नेगेटिव डेल्टा एस इज पॉजिटिव. सो अभी जस्ट हम लोग ने ये जो कंडीशन है डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव ये थर्ड कंडीशन था जिसमें हम लोग ने क्या स्टडी किया था, व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड एस इज पॉजिटिव रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. तो आइदर यू रिमेम्बर दैट कंडीशन और यू डू कैलकुलेशन एंड यू फाइंड. मीन्स वो कंडीशन तुम याद रख सकते हो कि डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है एट ऑल टेम्परेचर. ओके, एंड देन डायरेक्टली तुम आंसर्स लिख सकते हो और यू कैन प्रेडिक्ट आंसर. बट दिस इज द केस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि वर्कआउट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट साइन से ही पता कर सकते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के. बट फॉर बोर्ड्स यू नीड टू शो कैलकुलेशंस. सो हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस डू सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट. सो डेल्टा एच कितना दिया है, माइनस 40 किलो जूल. और डेल्टा एस जो है वो जूल में दिया है. सो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 1 किलो जूल इज 10^3 जूल्स. सो ये कितना किलो जूल आएगा, 0.135 किलो जूल पर केल्विन. टेम्परेचर इज आल्सो गिवन दैट इज 300 केल्विन. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Substitute minus 40 minus 300 into 0.135. So let's calculate. You will get answer as minus 80.5 kilojoule. So again delta G क्या आ गया, negative आया. Since delta G is negative, process is spontaneous. Process is spontaneous and also delta H is negative, therefore process कैसा है, exothermic है. Let's see next condition. So in next condition delta H is negative, delta S is negative. When delta H and delta S both are negative, so what condition is required for spontaneity? Delta H should be larger than T delta S. Okay, so let's check out. Delta H is minus 60 kilojoule,
डेल्टा एस कितना हो जाएगा, -0.160 किलो जूल पर केल्विन एंड टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। सो लेट अस चेक टी डेल्टा एस कितना होता है। सो टी डेल्टा एस यानी कितना हो गया 400 इंटू -160। सो यहाँ पे माइनस का जरूरत नहीं है, सो इसको निकाल देते हैं। तो ये जो तुम्हारा होता है इट इज 64। सो 64 इज लेस देन 60, मीन्स हियर इन दिस केस डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस एंड देयरफॉर तुम्हारा प्रोसेस कैसा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। बट ये जो कैलकुलेशन है दिस व्हाट आई हैव डन, दिस यू कैन यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट फॉर बोर्ड्स यू नीड टू शो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। ओके, सो ये कैलकुलेशन से यू कैन प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फॉर बोर्ड्स यू नीड टू डू कैलकुलेशन, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच कितना है -60, टी डेल्टा एस इज हाउ मच माइनस प्लस 64, सो इट विल बिकम प्लस 4 किलो जूल। सो नाउ इट इज कमिंग प्लस, सिंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ऑल्सो कैसा है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड देयरफॉर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, तो ये ऐसा ऐसे तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन फोर कंडीशंस विच वी हैव स्टडीड। लेट अस डू नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज नाइदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, इट इज द बैलेंस्ड ऑफ spontaneous and non-spontaneous behavior. And at equilibrium, delta G is equal to zero. So equation क्या है Gibbs free का, delta G is equal to delta H minus T delta S. And at equilibrium, this is zero. So what will be the temperature at equilibrium? Delta H is equal to T delta S. So T is equal to delta H upon delta S. Just check out numerical on this topic. For a certain reaction, delta H -25 kilojoule and delta S -40 joule per Kelvin. At what temperature will it change from spontaneous to non-spontaneous process? Okay, so T is what? T is equal to delta H upon delta S. Equilibrium temperature is a balance between spontaneous and non-spontaneous process. So delta H is in kilojoule and S is in joules. So अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, S को kilojoules में convert करना पड़ेगा. So delta H कितना आएगा, -25 kilojoule and that will become 0.04 kilojoule per Kelvin. This is also negative. So minus minus will get cancel out. So this will become how much, 625 Kelvin. Now at this temperature spontaneous se non spontaneous hoga, but iske upar ke temperature pe ye to equilibrium temperature ho gaya, this is equilibrium, ye formula is of equilibrium temperature. So
when delta h is negative and when delta s is also negative. So ये condition पे spontaneity attained होता है. Spontaneity is attended at lower temperature. And therefore हम लोग क्या conclude करेंगे, temperature less than 625 Kelvin पे क्या होगा, process spontaneous होगा. And if temperature is more than 625 Kelvin, process कैसा रहेगा, non spontaneous रहेगा. Is this clear? So basically ऐसे questions पूछते हैं, यही type का question last year, that is 2020 मार्च में बोर्ड्स में आया था. ओके, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो कैसा होता है ना, हमेशा केमिकल रिएक्शन जब भी अकर होता है, सभी सब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में नहीं रहते हैं. एंड इन सच केसेस अगर अपने को गिब्स एनर्जी निकालना है तो फिर क्या करने का, वी आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. एल एन यानी नेचुरल लॉ. नाउ दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी. व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? That is change in standard Gibbs energy. Okay. R is universal gas constant. T is temperature. And Q is reaction quotient. So क्या होता है reaction quotient? We have studied it in chemical equilibrium, है ना? So एक short में बता देती हूँ. Suppose we have a reaction AA plus BB is giving you CC plus DD. So for this reversible reaction equilibrium constant होता है KC, that is C raised to C, D raised to D, A raised to A and B raised to B. Now ये जो bracket में C, square bracket में C, D, A and B, ये जो लिखा है ये सब क्या है, equilibrium constants है. Okay? अभी other than equilibrium अगर अपने को ratio निकालना है तो what we do is QC, that is reaction quotient, that is सेम फॉर्मूला, बट सिर्फ ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे इन दिस फॉर्मूला, ये सब क्या रहेंगे, दे विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम. ये जो यहां पे आ रहा है ब्रैकेट में सी, ब्रैकेट में डी, ब्रैकेट में ए, स्क्वेयर ब्रैकेट में बी, ये सब जो आ रहा है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन of C, D, A and B respectively other than equilibrium. And this all are what? These are what? Concentration of C, D, A, B at equilibrium. Okay? What if this reaction is in gas phase? अगर ये सब गैस फेज में रहेगा तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं यूज कर सकते हैं. सो इन सच केस व्हाट वी यूज इज प्रेशर. ओके, सो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, केपी निकालते हैं. क्या निकालते हैं? केपी. सो व्हाट इज केपी? प्रेशर ऑफ सी रेस्ट टू सी, प्रेशर ऑफ डी रेस्ट टू डी,
प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए एंड प्रेशर ऑफ बी रेज टू डी. सो पी सी टी डी पी ए पी बी, ये सब क्या है? पार्शियल प्रेशर्स ऑफ सी डी ए बी रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम. ओके, सिमिलरली ये तो इक्विलिब्रियम का हो गया, बट पूरे टाइम इक्विलिब्रियम नहीं होता है ना रिएक्शन में. तो जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो जो रेशियो निकलेगा इट विल बी क्यूपी. सो क्यूपी विल बी पी सी रेज टू सी, सेम पी डी रेज टू डी, पी ए रेज टू ए एंड पी बी रेज टू बी. इधर भी मल्टीप्लाई आता है दोनों के बीच में. सो अभी ये जो है यहां पे पी सी पी डी पी बी पी ए, ये सब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डी बी एंड ए रिस्पेक्टिवली अदर देन इक्विलिब्रियम. इट्स अदर देन इक्विलिब्रियम. ओके, अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं ये इक्वेशन में, थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं. सो अभी जो मैंने तुम लोग को बताया उसके ऊपर से इन, इसको वन बोलते हैं. इन इक्वेशन वन व्हाट वी कैन राइट डाउन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ. अब मैंने क्यू का फॉर्मूला तुम लोग को बताया है ना, दैट इज सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी. सो मैं यहां पे लिख देती हूं सी डी ए एंड बी आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सिमिलरली डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन. अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पी सी रेज टू सी, पी डी रेज टू डी, पी ए रेज टू ए, पी बी रेज टू बी. सो यहां पे लिख देती हूं मैं इनको क्या बोलते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डी ए एंड बी. ओके, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. नाउ सपोज इक्विलिब्रियम है तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. सो ये रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, डेल्टा जी will become minus RT ln and at equilibrium Q is equal to K. So it will become ln K. C लिख देती हूं मैं, और यू कैन ऑल्सो राइट इट माइनस आर टी एल एन के. अब नेचुरल लॉग को निकालना है एंड लॉग टू द बेस 10 करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये नॉट आएगा यहां पे, डेल्टा जी नॉट विल बिकम माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी. सो ये इक्वेशन क्या हो गया, इसमें मॉडिफाई हो गया. वैसे इसको भी कर सकते हैं माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के पी. इसको मैंने इसमें मॉडिफाई कर दिया. नाउ विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस इक्वेशंस. ओके, सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. के पी फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिविंग यू 2SO3. एवरीथिंग इज इन गैस फेज. केपी दिया हुआ है 7.1 × 10⁴ एट 298 केल्विन. कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी
चेंज ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड आर बी दिया हुआ है. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केपी. सो पहले ना मैं क्या करती हूँ, लॉग केपी कैलकुलेट कर लेती हूँ. सो लॉग केपी इज इक्वल टू लॉग 7.1 इंटू 10^24. सो ये कैसा होगा, लॉग 7.1 प्लस लॉग ऑफ 10^24. सो लॉग 7.1 पॉइंट के पहले एक नंबर है, इसका मतलब 0.8513 प्लस लॉग 24 लॉग 10, लॉग 10 इज 1.000 दैट इज 1. सो ये कितना आ जाएगा, 24.8513. ओके, सो लॉग केपी आ गया. अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज को. माइनस 2.303, आर इज 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 है और लॉग ये तो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है. अब सिर्फ इसको तुम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड चेक आउट योर आंसर, इट विल बी नेगेटिव 141.8 किलो जूल पर मोल. सिंस गिव्स फ्री एनर्जी है सो एनर्जी इज इन जूल्स, किलो जूल्स. सो सी ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका आंसर जूल्स में आएगा. मैंने डायरेक्टली किलो जूल्स में आंसर लिखा है, सो मेक इट अ पॉइंट. मैंने डायरेक्ट किलो जूल में लिखा है बट ये पहले जूल्स में आएगा, देन यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल्स. 1 किलो जूल इज 10^3 जूल्स. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सो रीड दिस क्वेश्चन. कैलक्यूलेट Kp for the reaction C2H4 gas plus H2 giving you C2H6. Delta G naught that is minus 100 kilojoule per mole and temperature is 25 degree Celsius. So given data likh dete hai. Delta G naught is minus 100 kilojoule per mole. मीन्स इसको जूल्स में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज आर क्या होता है, जूल में होता है. सो 100 इंटू 10^3 जूल पर मोल. टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट इज केपी. आर कितना लेंगे हम लोग, 8.314 जूल पर केल्विन मोल. फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ केपी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस 100 इंटू 10^3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303, आर इज 8.314 इंटू 298 लॉग केपी. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 5705.85 लॉग केपी एंड ये तो है 100 इंटू 10^3. अब ये इधर आ जाएगा, सो 100 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 5705.85 दैट इज इक्वल टू लॉग केपी. ओके, सो इसको डिवीजन करने पे आंसर आएगा 17.5258 दैट इज इक्वल टू लॉग केपी. अभी केपी निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा बोथ साइड पे. सो ये एंटी लॉग हो जाएगा 17.5258 एंड दैट विल बिकम इक्वल टू केपी. अब एंटी लॉग निकालेंगे हम लोग, 0.17 का क्या हो जाएगा, इंटू 10^17
एंड पॉइंट 52 का 5 में 8 इज 3356, एक नंबर के बाद पॉइंट. सो फाइनली अपने को केपी आ गया, दैट इज 3.356 इंटू 10^17. देर इज नो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. सो बेसिकली यही टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड्स में एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैलकुलेशंस थोड़े इजी होते हैं, दैट्स इट. विल डू मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लाइव लेक्चर. एंड विद दिस थर्मो केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर इज ओवर.